नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वर्षिम की उन्नत खेती कैसे करें, उसके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, उसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, आप अपनी फसल की देखभाल किस प्रकार करें और इस वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर आपको अपने वर्षिम की फसल से कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपने कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी अन्य नई नई तकनीकियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी किसान भाइयों को अच्छी लगे तो यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आप सभी से विशेष प्रार्थना है। तो आइए जानते हैं वर्षिम की उन्नत खेती किसान भाई किस प्रकार करें। किसान भाइयों, पशुओं के लिए वर्षिम बहुत ही लोकप्रिय चारा है, क्योंकि यह अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त यह लवणीय एवं क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि करती है। यह फसल यह वर्ष के पूरे शीतकालीन समय में और गर्मी के आरंभ तक हरा चारा उपलब्ध कराती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए हरे चारे का विशेष महत्व है। पशुओं के आहार पर लगभग 70% तक व्यय होता है किसान भाइयों का, और हरा चारा उगाकर इस व्यय को हम कम करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, और आप यदि बरसीम की खेती करेंगे तो उससे आपके पशुओं को हरा चारा लगभग 8 से 9 महीने तक मिलता रहता है। अब कुछ इसकी उपयोगिताएं हैं, वो क्या हैं? वर्षिम सर्दी के मौसम में पौष्टिक चारे का एक उत्तम स्रोत है। इसमें रेशे की मात्रा कम तथा प्रोटीन की औसतन मात्रा 20 से 22% तक होती है। इसके चारे की पाचनशीलता 70 से 75% तक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की भी काफी मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण दुधारू पशुओं को अलग से खली दाना देने की आवश्यकता कम पड़ती है। ये तो थी किसान भाइयों बरसीम की विशेषताएं। वो अब बात करते हैं इसकी खेती की प्रक्रिया की। सबसे पहले, किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है बरसीम की फसल को? बरसीम ठंडी जलवायु के अनुकूल है। ऐसी जलवायु सर्दी व बसंत मौसम में उत्तरी भारत में पाई जाती है, जिसको उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बरसीम की बुआई तथा विकास के लिए उचित तापमान 25 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम माना जाता है। भूमि का चयन, यानी किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है बरसीम की अच्छी फसल के लिए? सिंचित खेत का चुनाव करें, जिसकी मिट्टी भारी दोमट तथा अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8 से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि में बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है अम्लीय भूमि। अब बात आती है किसान भाइयों खेत की तैयारी। इसकी खेती प्राय खरीफ फसल के बाद करते हैं। इसके लिए खेत की 1 या 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए। इसके बाद 3 से 4 हैरो चलाकर खेत में पट्टा लगाएं, ताकि खेत समतल हो जाए एवं सिंचाई की में भी आपको इससे सुविधा रहेगी। अब बात आती है किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। बरसीम की वो कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनसे आपको अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है, और आप अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक पैदावार देने वाली किस्म का ही चयन कीजिए, उससे आपको फायदा रहेगा। उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिक व शीघ्र चारा प्राप्त करने के लिए कुछ किस्में इस प्रकार हैं। सबसे पहले वरदान, जिसको S99A के नाम से जानते हैं। यह किस्म मुख्यतः देश के उत्तरी राज्यों के लिए विकसित की गई है। यह 150 से 160 दिन में फलती है एवं इसके 4-5 कटाई ली जा सकती हैं, और इसकी उपज क्षमता 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा है। मैस्काबी
यह ऐसी किस्म है जो कि सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके पौधे झाड़ीनुमा और सीधे बढ़ने वाले होते हैं एवं इसके तने मुलायम होते हैं। इसकी भी उपज क्षमता 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद है पूसा ज्वाइंट। इस किस्म की विशेषता है यह है कि इसमें एक ही जगह से 4 से 5 पत्तियां निकलती हैं। इसके फूल बड़े आकार के होते हैं। यह किस्म अत्यधिक सर्दी व पाले को सहन करने की क्षमता रखती है। कुछ अन्य किस्में हैं किसान भाइयों, ये भी उन्नत किस्में हैं और इनकी भी अच्छी पैदावार है। JB1, JBL2, BLT 678, T724, वार्डन, HSB 600, BL1, 10, 22, 30, 42, 92, 180, टाइप 526, 529, 560, 561, T674, 678, 730 और 780। पूसा गेंट JB34, S991, एग्रीफ्री S991 और UPB 103, 104, 105 और डिप्लोकिड और T560 ये प्रमुख किस्में हैं। किसान भाई इनमें से भी चुनाव किसी किस्म का कर सकते हैं, इनकी भी अच्छी पैदावार है। अब बात आती है किसान भाइयों बुआई का समय। बरसीम का बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के मध्यम तक है। देर से बुआई करने पर फसल में 1 या 2 कटाई कम मिलती है तथा प्रति कटाई चारे की पैदावार में भी कमी आती है। अतः कृषक बंधुओं को फसल की बुआई समय पर करनी चाहिए यदि उसके पास सिंचाई के अच्छे साधन है। बीज की मात्रा, कितने बीज की आवश्यकता होती है? बरसिंह की बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देसी या फिर मेस का भी किस्म के बीज छोटे होते हैं, अतः 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बड़े एवं मोटे किस्में जैसे BL22, JBH146 की बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीजों उपचार किस प्रकार करें किसान भाई? बरसिम चारे की भरपूर उपज के लिए बुआई से पूर्व बीज को उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का 10% घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके उसमें कल्चर पाउडर को अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर अच्छी तरह से मिलाएं। बीज को इससे पूर्व 12 से 14 घंटे तक जल में भिगोकर रखना चाहिए। किसान भाइयों को यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आप गर्म पानी में राइजोबियम कल्चर को न मिलाएं, अन्यथा उसके जीवाणु खत्म हो जाएंगे। ठंडा होने के बाद ही आप उसका प्रयोग कीजिए। जीवाणु उपचारित बीज को छाया में रखकर सुखाकर 24 घंटे के अंदर बुआई कर दें। धूप या गर्म वातावरण में उपचारित बीज सुखाने या रखने से जीवाणु मर जाते हैं। यदि संबंधित कल्चर उपलब्ध न हो पाए तो खेत में पहले बरसिम बोई गई हो उस खेत की मिट्टी लें। आप बीज के वजन के बराबर लेकर उससे बीज के साथ मिलाकर आप बुआई कर सकते हैं, उससे भी राइजोबियम की पूर्ति होती है। अब बात आती है किसान भाइयों बीज को आप भिगोएं क्यों? क्योंकि सख्त बीज होता है, यदि आप भिगोकर उसको बोएंगे तो एक तो पूर्ण अंकुरण होगा और जल्दी होगा। बुआई के समय उच्च कोटि के प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कासने के बीज मिले हो सकते हैं। कासने के बीजों को अलग करने के लिए 10% नमकीन पानी के घोल को किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन में 2/3 भाग तक भर देते हैं। बुआई से पहले बीजों को इस घोल की सतह पर थोड़ा थोड़ा डालते हैं। बरसिम का बीज भारी होने के कारण बर्तन की तली में बैठ जाता है, जबकि कासने के बीज घोल के ऊपरी सतह पर तैरते हैं। इनको सतह से निकालकर फेंक दें तथा बरसिम के बीज को निकालकर स्वच्छ जल से 2 से 3 बार धो दें, ताकि अंकुरण पर नमक का बुरा प्रभाव न पड़े। अब बात आती है बुआई की विधि की। बरसिम की बुआई प्राय 2 विधि से की जाती है, जो इस प्रकार है। क्यारियों में जिस खेत में बरसिम की बुआई करना हो उस खेत को अच्छी तरह से तैयार करके उचित आकार की क्यारियां बना लें, यानी जो आपकी सुविधा के अनुसार हो। इनमें 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दें तथा पाटा चलाकर बीज छिड़क दें। छिड़कुआ विधि द्वारा भी किसान भाई इसको उगा सकते हैं। सूखे खेत में बुआई के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी तथा मिट्टी भुरभुरी होना आवश्यक है।
इसमें छिटकवा विधि से बुआई के लिए खेत में बीज छिटक कर हल्का पट्टा चला दें। ध्यान रहे कि बीज 1 से 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं जाना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आप छिटकवा विधि से बरसीम उगा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत बीज भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आती है कतारों में किस प्रकार बोएं। पौधे की उचित वृद्धि के लिए कतारों के मध्यम की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। कतार में बुआई के लिए हल या सीड ड्रिल द्वारा बीज की बुआई लाइनों में की जाती है। उससे बीज का जो अंतर रहता है कतारों में, वो एक निश्चित दूरी पर रहता है। अब बात आती है किसान भाइयों, खाद और उर्वरक यानी पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें। बरसीम की में नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए सामान्यतः 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बोते समय खेत में छिटक कर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। इसके बाद क्यारियां बनाकर पानी भरना चाहिए, अन्य विधि से बुआई करने चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों सिंचाई प्रबंधन की। बरसम की सफल खेती के लिए सिंचाई एवं जल निकास की सुनिश्चित व्यवस्था आवश्यक है। पानी भरकर या बुआई करने पर बुआई के चंद दिनों बाद दूसरी हल्की सिंचाई करें। सूखी बुआई में अंकुरण के बाद प्रथम सिंचाई करें। इसके बाद शीतकाल में 12 से 15 दिन के अंतर पर तथा मार्च के बाद तापमान बढ़ने पर 7 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। हरे चारे के लिए प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई अवश्य करें और यदि आप उसके साथ 5 या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया डाल दें तो उसकी यानी ग्रोथ है वो जल्दी बढ़ेगी, जो कि अच्छी वृद्धि एवं अधिक उपज के लिए आवश्यक है। अब बात आती है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करें। आप अपनी बरसीम की फसल में आरंभ में बथुआ, खरतुआ, दू, करसन्नील, जंगली प्याजी, गजरी, सेजी, कासनी आदि खरपतवार बरसीम की फसल में दिखाई देते हैं। यदि फसल आरंभ में खरपतवारों में दब जाती है तो बढ़वार नहीं कर पाती है, जिससे उपज भी अच्छी नहीं मिल पाती है। अतः जहां तक संभव हो फसल के अंकुरण के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए। अमरलता की संभावना हो तो फसल पर पेराक्वाइट या फिर डाइक्वाइट का 0.1 से 0.2% घोल बनाकर पहली या दूसरी कटाई के तुरंत बाद छिड़काव करें। फसल चक्र अवश्य अपनाएं जिस खेत में आप बरसीम उगा रहे हैं, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। फसल की आरंभिक अवस्था में 1-2 कटाई जल्दी करके भी 1 वर्षीय खरपतवारों पर काबू पाया जा सकता है। अब बात आती है किसान भाइयों फसल संरक्षण यानी कीट रोकथाम की। फसल संरक्षण प्रयोग प्राय बीज उत्पादन के लिए करना चाहिए। फसल को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में सेमीलूपर, थीरप, एपिड और चने की सुंडी है। सेमीलूपर से बचाव के लिए एंडोसल्फान 35 cc का छिड़काव करें तथा थीरप और सुंडी और एफिड के लिए 0.05% मेलाथियन का घोल बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी खरपतवार या कीटनाशी का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी खरपतवार नाशी या फिर कीटनाशी के प्रयोग के 15 से 20 दिन पश्चात ही बरसीम आप अपने पशुओं को खिलाएं। और यदि आप चारे के लिए बरसीम उगा रहे हैं तो जहां तक संभव हो आप कीटनाशी का प्रयोग न करें। अब बात आते हैं किसान भाइयों कटाई व्यवस्था की। प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के मध्य ली जा सकती है। अन्य कटाइयां 30 से 35 दिन के अंतराल पर लेने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। पौधे में अधिक पुनर्वृद्धि और उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटना आवश्यक है। बरसीम की फसल से हरा चारा नवम्बर के अंत से अप्रैल तक मिलता है। प्राय यह देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। फूल आने के बाद बीज वाली फसल में सिंचाई नहीं करें। मई से लू चलने से प्रांगण व निश्चेचन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है किसान भाइयों इस उपरोक्त उन्नत विधि से खेती करने पर आपको इस बरसीम की फसल से कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है। उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर यानी जो हमने बताई उस विधि से खेती करने पर फसल में बीज उत्पादन नहीं किया जाए तो प्रति हेक्टेयर औसत से अधिक लगभग 1000 क्विंटल हरा चारा प्राप्त हो सकता है।
बीज के लिए फसल को फरवरी के बाद छोड़ दिया जाए तो 3 से 5 क्विंटल बीज तथा 500 से 600 क्विंटल हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। बरसीम अधिक खाने से पशुओं में अफरा की समस्या आती है, इसलिए सूखे चारे के साथ मिलाकर खिलाएं या पहले सूखा चारा फिर बरसीम खिलाएं, तो इससे आपको आपके पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उससे लाभ मिलेगा। तो ये तो थी किसान भाइयों बरसीम की खेती कैसे करें, जो कि पशुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चारा है। आपकी जो आपका खेत है उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और अच्छा उत्पादन इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको जानकारी यदि अच्छी लगे तो हमारी ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और यदि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं नई नई जानकारियों के लिए, तो आप हमारा फेसबुक लाइक कर सकते हैं, हमारा ट्विटर और गूगल प्लस फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी आप जुड़े रह सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।